नमस्कार। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या कहता है मई 2019 का राशिफल। 1 मई से 31 मई के मध्यकाल में ग्रह गोचर ही व्यवस्थाएं किस तरह से परिवर्तित होंगी और कौन से फल आयामों को निक्षेपित करने वाली होगी हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर। 360 डिग्री अप्रोच के ऊपर बात की जाए तो कौन कौन से क्षेत्र किस तरह के फलों से इम्पैक्ट और इफेक्ट के भीतर आएंगे। सर्वप्रथम तथ्यात्मक दृष्टिकोण से इस ग्रह गोचरी व्यवस्था का अध्ययन और चिंतन और उसके बाद में हम समग्र क्षेत्रों के प्रभाव को भी जानने का काम करेंगे। मैं स्वयं भी वृषभ राशि का ही जातक हूँ। आप देखिए कि चंद्रमा सर्वप्रथम अगर पोजिशन में देखा जाए तो प्रतीकात्मक तौर पर ऑन द बेसिस ऑफ सिम्बॉलिक अप्रोच चंद्रमा यहाँ राशि स्थान में है विराजित। इनको परिवर्तित करके दिखाना हमारे लिए भी बार बार संभव नहीं हो पाता, इसलिए चंद्रमा यही। और अगर अब सूर्य की बात की जाए इसके बाद में तो 1 मई से 15 मई के मध्य अंतराल के भीतर सूर्य उच्चस्थ स्थितियों में ही विराजित रहेंगे और उसके बाद की पोजिशंस की बात की जाए तो 15 मई से ही अपनी गति संस्थिति को परिवर्तित करके 31 मार्च तक, क्योंकि मैं मई महीने की चर्चा कर रहा हूं तो स्पेसिफिकली उसी की बात करूंगा, उसके मध्य अंतराल में सूर्य आप देखिए कि वृषभ राशि स्थान में ही विराजित हो जाएंगे, शुक्र के राशि स्थान में ही विराजित हो जाएंगे। वहीं अगर बुध की बात की जाए तो 3 मई से अपनी गति को परिवर्तित करके यही 12th हाउस में ही विराजित रहेंगे। शुक्र भी 10 मई के बाद में मेष राशि स्थान की स्थितियों को अपना चुके होंगे। यहां देखिए 12th हाउस के अधिपति होके और साथ ही साथ में सप्तम स्थान के अधिपति होके मंगल राहु के साथ सेकंड हाउस में विराजित रहेंगे। राहु जहां उच्चस्थ तो मंगल वहीं कम्युनिकेशन के भाव में यहां 7 मई के बाद में आकर विराजित हो जाएंगे। ये समय थोड़ा सा ध्यान रखने वाला रहेगा। वही शनि और केतु की बात की जाए तो अष्टम स्थान आयुष्य के स्थान में शनि विराजित है लंबे समय से, जनवरी 2020 तक ये स्थिति रहेगी। केतु भी उच्चस्थ स्थितियों को प्राप्त करके यहाँ विराजित। बृहस्पति पिछले महीने अतिचारी हुए थे किंतु फिर से उसी पोजीशन के अंदर यहाँ सप्तम स्थान में मंगल के राशि स्थान में ही विराजित हो गए हैं। एक पोजीशन बृहस्पति के हिसाब से महत्वपूर्ण बनती है। 10 अप्रैल से लगाकर 11 अगस्त 2019 के मध्यकाल में बृहस्पति वक्रगत स्थितियों में रहेंगे, यानी कि रेट्रोगेटिंग पोजीशन में रहेंगे। अपनी जन्म कुंडली की सार और संभाल एक बार जरूर करिएगा। अगर वक्रगत स्थितियों में विराजित हैं और अच्छी पोजीशंस में है, ये समय आपके लिए जिंदगी के उन शानदार हितों को निर्माण करने वाला और उन हदों का निर्माण करने वाला हो सकता है जिसकी कल्पना हमने लंबे समय से नहीं की थी। कर्म की प्रखरता हर एक क्षेत्र के भीतर निकल कर आती है, भले ही वो व्यापारिक गतिविधियां हो, चाहे आप बात करें नौकरी पेशा पोजीशंस की, विदेश में रहकर अगर आप जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और उसके बाद में आप जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, आप बिजनेस की तरफ इंडल्ज होना चाहते हैं, शेयर मार्केट में लॉन्गर टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। अब जहां व्यापार की बात चल ही पड़ी है तो सर्वप्रथम वहीं से शुरुआत देखिए। आपके व्यापार स्थान में सप्तम स्थान में बृहस्पति फिर से आकर विराजित हो गए हैं, एक रिफ्रेशिंग मूड है। तो यहां पर जो भी व्यापारिक निर्णय आपको बिजनेस पार्टनर्स के साथ में लेने हैं, दिक्कत और परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल के राशि स्थान में सप्तम स्थान के भीतर बृहस्पति जब विराजित हो जाते हैं तो लाभ स्थान को कंट्रोल करते हैं जो कि इनका खुद का ही हाउस हो गया, राशि स्थान को भी देखेंगे और व्यापार में जिस पराक्रम की वृद्धि की आवश्यकता होती है, जिस सामंजस्य की आवश्यकता होती है और एक समकालिक महत्वाकांक्षा की जो रिक्वायरमेंट रहती है उसे भी नौवीं दृष्टि से यहां पर बढ़ाने वाले हो जाते हैं बृहस्पति। आप देखिए कि जब भी जीवन के भीतर महत्वाकांक्षा व्यक्ति की पनपना शुरू होती है, वो महत्वाकांक्षाओं की दो ड्राइविंग फोर्स हमेशा निकलकर सामने आती है। पहली ड्राइविंग फोर्स जो महत्वाकांक्षा की है वो इंसान को प्रतिस्पर्धा की तरफ लेकर जाती है और दूसरी ड्राइविंग फोर्स जलन पैदा करती है। इंसान कि जब स्थितियां बृहस्पति के साथ में सुदृढ़ हो पराक्रम स्थान की तो महत्वाकांक्षाएं नियंत्रित रहती है। जब महत्वाकांक्षाएं नियंत्रित रहती है तो व्यक्ति आनंदित भी अनुभव कर पाता है। यहीं पर अगर आप शिक्षा की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं या फिर आप किसी भी एग्रीकल्चर के सेक्टर के साथ में जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड के अंदर अपना कामकाज आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन सब पोजिशंस के हिसाब से ये समय अच्छा कहा जा सकता है। देखिए आईटी फील्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है,
आईटी फील्ड के अंदर आपको रुपया और पैसा लगाने की आवश्यकताएं कम रहती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की और सर्विसेज देने की आवश्यकताएं ज्यादा रहती है। मंगल जब यहां अपने इस व्यापार स्थान से 6-8 का संबंध बनाकर विराजित हों, तो देखिए कई बार एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन के लेवल पर भी पहुंचता है ऐसे बिजनेस के अंदर, और जो साथ में सबऑर्डिनेट्स काम करने वाले हैं, किसी के साथ में व्यापारिक गतिविधियां ऐसी बढ़ रही है, वहां पर तल्खी आने की संभावना रहती है, और वही वजह बनती है लिक्विडिटी में ब्लॉकेज की। क्योंकि व्ययेश होके यहां 3-11 के संबंध के अंदर सेकंड हाउस में विराजित, जहां राहु पहले से विराजित है, कुटुंब स्थान और लिक्विडिटी का हाउस और वाणी का हाउस और स्वतंत्र भाव भाव पणफर के अंदर जब मंगल विराजित हो जाते हैं, व्यक्ति के कम्युनिकेशन के साथ में दिक्कतें देने का काम करते हैं। व्यक्ति को किसी ने भी कुछ भी बोला, उसका इंपैक्ट इतना जबरदस्त तरीके से आता है कि वो सारी की सारी बातें उसके सामने रखे बिना चैन नहीं पाता। यानी कि अगर किसी ने कुछ सुना दिया, हम उसका रिएक्शन जरूर देंगे, एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा, क्योंकि बृहस्पति भी सेकंड हाउस को कंट्रोल करने का काम करते ही नहीं कर रहे हैं, और राहु जैसे विच्छेदी कारक ग्रह विच्छेद भी करवाने का काम करते हैं। व्यापार में जहां पर दूसरी पोजीशंस के अंदर हितकर स्थितियां हैं, आईटी फील्ड के अंदर मंगल की इस पोजीशन को अच्छा नहीं कहा जा सकता। ज्योतिष के जानकार जानते हैं कि आईटी फील्ड में शनि और मंगल का कितना बड़ा योगदान होता है, और वही शनि और मंगल अभी दृष्टि संबंध के भीतर भी है। आप ऐसे किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेरी गुजारिश यही रहेगी, प्रत्येक दिन खुद के इंटरनल कम्युनिकेशन को मजबूत करके चलिएगा, और एक डॉटेड अप्रोच में अपने सामने लिख कर रखिएगा कि मुझे किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन के कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाना है। कहीं वाद विवाद वाली स्थितियां लगती भी है, उस जगह को छोड़ दीजिए, वहां से बाहर निकल जाइए, तो स्थितियां आपके लिए हितकर बनकर सामने आएंगी, और जो पोजिशन स्टेप हो सकती थी वहां से आप बच भी जाएंगे। कुटुंबी जनों के साथ में भी वाद और विवाद से बचिएगा। भूमि का कोई भी विवाद है, मई के महीने में उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएं, विशेष तौर पे 7 मई के बाद जैसे किसी भी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएं तो बढ़िया, इंतजार करें 22 जून तक का, उसके बाद ही ऐसे कोई भूमि के विवाद आदि हैं तो उन्हें सुलझाने के लिए जाना चाहिए। अगर किंतु एक पोजीशन और फेवरेबल बनती है, कोई लोन वाली स्थिति के अंदर आप लंबे समय से थे, कोई कर्जे वाली स्थिति के भीतर लंबे समय से थे, तो वहां पर कुछ ऐसी संभावनाएं बन सकती है कि आकस्मिक धन जहां कई लंबे समय से ब्लॉकेज था वो क्लैरिटी की तरफ जाए, और आपके कर्ज की जो संभावना है उनको घटाने की और अग्रसर हो। इस महीने से अगर आप ये भी निर्णय लेने की तरफ जाते हैं कि मेरे लोन की जो किस्तें चल रही है, जो इंस्टॉलमेंट्स है, उस इंस्टॉलमेंट को मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं, तब भी ये पोजीशन आपके लिए हित कर रहेगी, अच्छी संभावनाओं का निर्माण करने वाली कही जा सकती है। तो यहां से भी अपने हितों को साधने से बिल्कुल भी आप चूकिएगा मत। साथ में ही भाग्य की प्रधानता इतनी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप देखिए कि भाग्येश स्वयं भी खुद से 12th और मंगल भी यहां जब देखने का काम करेंगे तो भाग्य में एक प्रदीप्त तेज देने का काम करते हैं, यानी कि भाग्य भरोसे व्यक्ति को नहीं बैठने देते, और कोई व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठने वाला हो उस समय वो फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि मंगल 8वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखने का काम कर रहे हैं। तो ये तो थी लिक्विडिटी की ब्लॉकेज की स्थितियां, बिजनेस से संबंधित पोजिशंस, किंतु जो एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, अपार्ट फ्रॉम आईटी फील्ड, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल फील्ड, अगर किसी और ऐसे आप जो है किराना व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ऐसे किसी और मॉल कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आपके लिए स्थितियां फायदेमंद बन रही है बृहस्पति की वजह से। बेनिफिट उठाइए और रफ्तार के साथ में बढ़ते चले जाइए। जो भी महिलाएं बृहस्पति की इस पोजीशन के साथ में अभी जूझ रही हैं, यानी कि वृषभ राशि के जो भी महिलाएं हैं, और यहां सप्तम में जब बृहस्पति विराजित हो जाते हैं तो गृहस्थ और कुटुंब के अंदर एक तनाव व्यक्ति के आता हुआ देखा जा सकता है। सप्तम में बृहस्पति महिलाओं के लिए इतना काम का नहीं है, इस बात का गोचरीय व्यवस्था में भी ध्यान रखकर बढ़ना चाहिए, बचकर चलें, अपने हितों को साधने की ओर पूरे तरीके से अग्रसर हों। हिडन प्रॉब्लम्स जब कई बार निकल कर आती है तो वो दिक्कत देने का काम करती है, किंतु यहां आप दूसरी पोजीशन में देखते हैं कि भूगर्भीय व्यवस्थाओं के दिन में जो लोग जुड़े हुए हैं, मेटल के किसी कामकाज से जुड़े हुए हैं, मेटल इंडेक्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब समय आपके लिए सार्थक कहा जाएगा। साथ ही साथ में केतु कई बार जो हिडन स्थितियों के साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, यानी कि रिसर्च के साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, ऐसे किसी और क्षेत्र के साथ में काम करने वाले लोग हों, आध्यात्मिक चेतनाओं की तरफ जाने वाले लोग हों, वहां पर उनके नाम में प्रखरता
जरूर लगाते हुए दिखाई देते हैं। विदेश में जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए संभावनाएं शुरुआती स्तर के ऊपर बहुत हितकर बनी हुई है, क्योंकि सूर्य उच्चस्थ बुध मंगल की राशि में 3 से 15 मई के मध्य अंतराल के भीतर अगर आप देखते हैं तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा, जो कि आपके बाहर के क्षेत्रों में यानी कि विदेश आप रह रहे हैं या फिर आपकी संतान विदेश के अंदर रह रही है उनके लिए अच्छे और नवीन समाचार निकल कर जरूर आएंगे। पिता और पुत्र के बीच में तल्खियां निकल सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है ये समय उनके लिए इतना हितकर नहीं बना हुआ है। साथ ही साथ में अगर आप एग्जिस्टिंग वर्किंग प्लेस के साथ में कोई और कोर्स बाहर रहकर करना चाहते हैं या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ में किसी भी शिक्षा की गतिविधि को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दिक्कत और दुविधा नहीं है, अपनी रफ्तार को पूरे तरीके से सबल दीजिए और बढ़ते चले जाइए। साथ में स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज जो भी हैं, जब चौथी दृष्टि से मंगल यहां पंचम स्थान को देखने का काम करते हो तो क्षमताओं को धारण करने के भाव के अंदर वृद्धि होती चली जाती है। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के लिए यह समय शानदार कहा जाएगा। साथ में ही शिक्षा में भी जो लोग टेक्निकल एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं ये टाइम उनके लिए हितकर है। देखिए टेक्निकल एजुकेशन और जो है टेक्निकल स्थितियों के बिजनेस के साथ में आप अग्रसर हैं तब तो ठीक नहीं, किंतु टेक्निकल एजुकेशन में जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपके लिए वृद्धि होती हुई पूरे तरीके से देखी जा सकती है। जो भी महिलाएं कंसीव आदि करने के लिए जाना चाहती हैं, फैमिली वे की प्लानिंग करना चाहती हैं, उन्हें अभी थोड़ा सा रुक कर चलना चाहिए। साथ ही साथ में अगर मैं रोग की बात करूं तो इस टाइम फ्रेम के अंदर दांतों की तकलीफ वृषभ राशि वाले जातकों को और जो लोग भी यूरिन इन्फेक्शन प्रॉन रहे हैं उन्हें दिक्कत सता सकती है। देखिए मधुमेह के जो रोगी होते हैं, शुक्र बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, मधुमेह का रोगी यूरिन बहुत लंबे समय तक जो है आपको मालूम है कि रोक नहीं पाता, तो कई बार वही वजह भी बनती है यूरिन इन्फेक्शन में कन्वर्ट होने की। उसका विशेष तौर पर आप ध्यान रखें, सावधानी के साथ में चलते चले जाएं, यानी कि बस का ट्रेवल अगर आपके लिए मुफीद नहीं है तो कोशिश कीजिए ट्रेवल को अवॉइड करें, हम ट्रेन के भीतर ही ट्रेवल करेंगे। ये सारी की सारी स्थितियों को बहुत माइन्यूटली ध्यान रखा जाए तो ऐसी पोजीशन से बचा जा सकता है। एवर्ट होने से अगर आप जाते हैं और अगर उस तरफ से थोड़ा सा भी सावधान रहते हैं तो ऐसी मुश्किलों को टालना बड़ा ही आसान रहेगा। हालांकि मधुमेह का रोग इतना नहीं सताएगा, किंतु यूरिन इन्फेक्शन संबंधी पोजीशन, दूसरी दांतों की तकलीफ इस समय आपको सताने का काम कर सकती है। शेयर मार्केट के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हें इंट्राडे में बेनिफिट तो होगा, लेकिन वो बेनिफिट आपके गलत सौदों की वजह से, 6-8 के संबंध की वजह से फिर से ढुलमुल रवैये की तरफ भी जा सकता है और वो जो बेनिफिट हुआ था इंस्टेंट बेसिस के ऊपर वो गायब भी फटाफट हो सकता है आपके गलत निर्णयों की वजह से। एक बार इंट्राडे में अगर आपने एक दिन में बेनिफिट उठा लिया उसके बाद में अपने लालच को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएं, वहीं पर सीमित कर दीजिए, अगले दिन फिर से उसे क्रमबद्ध तरीके को दोहराइए, यानी कि खुद की जो पोजीशंस है उसको बिल्कुल संयमित तरीके से अगर आप रखकर चलते हैं तो मैं उसे ज्यादा बढ़िया स्थितियों के साथ में कहूंगा। साथ में ही सूर्य ने सुख स्थान के अधिपति होकर नवम पंचम का योग बना रखा है और उसके बाद में 4-10 के संबंध के भीतर जब आ जाएंगे इस पूरे महीने के अंतराल में, यानी कि 1 से 15 की पोजीशन अलग और 15 से 31 की पोजीशंस अलग, दोनों ही पोजीशंस को सपोर्टिव कहा जाएगा। किंतु सूर्य जब यहां उच्चस्थ होते हैं तो अनिद्रा का रोग बहुत अधिक देते हैं, महत्वाकांक्षाएं तो नहीं सताती व्यक्ति को, कई बार व्यक्ति जुगाली करता रहता है अपनी महत्वाकांक्षाओं की, कैलकुलेशंस बार बार दिमाग में लेकर आता है, ये जोड़ूं वो जोड़ूं इस हिसाब से यहां नुकसान हुआ उसकी भरपाई करूं, गलत डिसीजंस भी ले लेता है। किंतु बृहस्पति वहां तो दिक्कत नहीं होने देंगे, किंतु साथ ही साथ में अनिद्रा संबंधी रोग हल्के फुल्के आपको सताने का काम कर सकते हैं। जीवन के सर्वांगीण लाभ की अगर मैं बात करता हूं तो वो पूरे तरीके से बने हुए हैं, सुख की अनुभूतियां भी आपको पूर्ण रूप से हो सकती है। सिनेमेटोग्राफी के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, एक्टिंग और एक्ट्रेस के किसी भी संबंधित कार्यकलाप के साथ में अगर आप जाते हैं, उनके सपोर्टिंग रोल के साथ में अगर आप लगातार बढ़ते हैं तब भी ये महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ठीक कहा जा सकता है। ढैया जनित व्यवस्थाओं के साथ में आपको अभी जूझना पड़ रहा है तो ढैया संघर्ष लेकर आती है, किंतु ये महीना एक ठंडी बयार के रूप में आप सभी के समक्ष स्थापित होगा। तो ये सारी पोजिशंस का ध्यान रखें, यहाँ हमने जो है व्यवसाय की बात की, स्वास्थ्य की बात की, साथ ही साथ में जो भी गर्भस्थ महिलाएं हैं उनकी पोजीशंस की बात की, विदेश के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए भी चर्चाएं हुई, भाग्य किस तरह से प्रबलता से निकल कर आता है वो भी चर्चा हुई, सर्विस क्लास जो भी लोग हैं उन्हें इस महीने के अंतराल में जॉब चेंजेस की पोजीशंस की तरफ थोड़ा सा खुद को अवॉइड करके चलना चाहिए। तो ये था वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मई महीने का राशिफल। मैं ऐसे ही कई और चर्चाओं के साथ समय दर समय आप सभी के समक्ष उपस्थित होता रहूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।